किसी दिन खाक के अंदर शमिया किसी दिन खाक के अंदर हमें भी घर सकती थी कि देवर जी थोड़ा संभाल के चलो। अगर इतना द्रौपदी कह देती तो हो सकता है विश्व युद्ध महाभारत नहीं होगा। जिस महाभारत में 18 अक्षौरी सेना 18 दिन के अंदर मारी गई, ये महाभारत महारानी द्रौपदी की देन है। जो काम आपकी राइफल की गोली नहीं कर सकती है, वो काम भक्तों और की गोली कर जाती है। दुर्योधन उठ करके खड़ा हो गया, कहने लगा कि हाँ महारानी द्रौपदी, हस्तिनापुर से जब चला था आंखों में रोशनी थी, लेकिन आपके महलों की चकाचौंध में आंखों की रोशनी गायब हो गई। द्रौपदी, ये अपमान मेरा नहीं है, ये अपमान महाराज धृतराष्ट्र का है, ये अपमान शांतनु कुल का है, ये अपमान भरतवंशियों का है। और इतना भी याद रख राजकुमारी द्रौपदी, अंधा का फंदा जब तेरे ऊपर पड़ेगा, तेरे आंसू पहुंचने वाला भारत में नशीब नहीं होगा। झंगड़े की जड़ पड़
महाभारत युद्ध का बीज इस यज्ञ में ही बोया गया था। बोला है दुर्योधन, कुशल तो है तुम्हारी मां कुंती, मेरी पुत्र वधु बेटी द्रौपदी सब तरह कुशल तो है, हमारे परिवार पर बेटा इंद्रप्रस्थ में कोई संकट तो नहीं। दुर्योधन कहने लगा, पिताश्री राजा तो युधिष्ठिर बन गया, अब उसके सामने भला हम राजा कहां रहे, अंगराज कर्ण उठ के खड़े हो गए हैं। कहने लगे कि हे मित्र दुर्योधन, जहां नाना प्रकार के संगीत की ध्वनि गुंजित होती है वहां एक धपरी का राग भला काम क्या करेगा, वो तुम्हारे जैसे राजा के सामने भुक्कड़ धर्मराज राजा क्या होगा। गांधार नरेश मामा सपनी कहने लगा, प्रिय भांगे दुर्योधन, मैं देख रहा हूं कि इंद्रप्रस्थ में जब तुम्हारा पैर फिसल गया था, तुम्हें पटक लगी थी और द्रौपदी ने अंधा का अंधा बताकर जब तेरा उपहास किया था, उस समय से तुम्हारे होठों की मुस्कुराहट गायब हो गई। और हे दुर्योधन, अगर दुश्मन को जीतना है मेहनत करो, उद्योग करो, परिश्रम करो, प्रायश्चित करने से तुम्हारा शरीर तो कमजोर हो जाएगा लेकिन शत्रु पक्ष का तुम बाल बाका नहीं कर पाओगे। इधर हमारा बेटा प्रवीण जो नगला जिला से आए हैं, 101 रुपए के मुद्राओं से बेटा हम सम्मानित कर रहे हैं,
प्रभु इन्हें शक्ति प्रदान कर। दुर्योधन अपनी मामा शकुनि से प्रश्न करता है कि मामा मामा वो मंत्र शोध के हमें बताओ जो हम पांडवों को बर्बाद करके द्रौपदी से अपमान का बदला ले सकते। बोला है दुर्योधन, अरे मामा कोई अकल बताए, बदलो जो पद शैल लबाए, और अब बंधन को वंश मिटाए, महाराज धृतराष्ट्र के पास जाओ,
और उनसे जुआ खेलने की आज्ञा मांगा। मामा की कूटनीत में उलझ करके दुर्योधन अपनी ही वंश की जड़ काटने के लिए चला। और भक्तों, साले से सावधान, साले से सावधान, दो दिन से अधिक इन्हें घर में कभी मत रुकने दो। दीवाल में आला, घर में शाला, रंगों में काला, हथियारों में भाला, बहुत खतरनाक। अब हमारी बहनें सोच रही होंगी, सोजन तुम हमारे भाइयों पर बड़ा लंबा कटाक्ष कर रहे हो। हां भक्तों, हमारे पास प्रमाण है कि शालों ने नाक में दम करके रख लिया। धृतराष्ट्र साले शकुनी महाभारत रचवा दिया। महाभारत का जो खलनायक है शकुनी है। अर्जुन के शाले भगवान कृष्ण, कन्हैया की बहन सुभद्रा अर्जुन के लिए विवाह की थी। अगर कन्हैया चाहते तो महाभारत रुक सकता था, पर चाह करके भी कन्हैया ने महाभारत नहीं रोका था। दिल्ली नरेश महाराज, पृथ्वीराज चौहान, कन्नौज के राजा जयचंद, महोबा के राजा परमा, इन तीनों के साले थे उरही वाले। माहे कभी घोड़ी दिल्ली में नच रही है, कभी महोबा, कभी कन्नौज, तीनों संबंधियों को माहे ने एक नहीं होने दिया। अंत में बेला के गोने में भारत का सब नाश हो गया। पृथ्वीराज की बेटी बेला महोबा में चंद्रवंशी महाराज परमार के पुत्र ब्रह्मानंद को विवाह गई थी। बेला के गोने में कामरूप संग्राम दिल्ली के मैदान में हुआ था। ये कैसे हम आपको दे चुके हैं। इस बेला के गोने में कन्नौज के लाखर राणा जैतखम की लड़ाई में मारे गए थे। उसी हत्या का बदला लेने के लिए महाराज जयचंद ने अफगानिस्तान गजनी में पत्र भेजकर मोहम्मद गौरी को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। कई बार पृथ्वीराज ने दिल्ली के मैदान में गौरी को हराया था। अंत में पृथ्वीराज परास्त हो गए थे। मोहम्मद गौरी उन्हें बंदी बनाकर अफगानिस्तान में ले गया था, जहां अपने हिंदू सम्राट महाराज पृथ्वीराज चौहान को प्राण दंड दिया गया था। तो भक्तों, साले से सावधान। जब दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र के निकल गया, जुआ की आज्ञा मांगता है। हालांकि महामंत्री महात्मा विदुर ने उनका विरोध भी किया। राजन, जुआ नाश की जड़ है, जुआ से तो महाराज बैल भी हार गया है, जिस बैल में अक्षत आता था। लेकिन सात पांच जहां बसे कसाई, एक संत की कहां बसाई। पुत्र के मोह में धृतराष्ट्र इतने अंधे बन गए थे कि विदुर की बात नहीं मानी और दुर्योधन को जुआ खेलने दिया गया प्रदान कर दी। एक कीर्तन भक्तों भगवान का बोलो, ध्यान पट पर से हट गया।
उसी बिंदु पर रखें। जुआ का पत्र इंद्रप्रस्थ भेजा गया, पांडव मैया कुंती महारानी द्रौपदी को लेकर हस्तिनापुर में आए हैं। कुंती और द्रौपदी दुर्योधन के महलों में चले गए। ये पांचों पंडवा जब बाबा भीष्म से जाकर के मिले हैं, बाबा भीष्म ने पांचों पांडवों को आशीर्वाद दिया है। उसके बाद में उन्होंने अर्जुन को अपनी छाती से लगा लिया। कहा कि अर्जुन तुम दुर्योधन के जाल में कैसे फंसे? कोई बहाना बना देते अर्जुन, इस वक्त में हस्तिनापुर में नहीं आना था। यह दुर्योधन का मामा शकुनी जो यहां पर रुका हुआ है, ये एक दिन मेरे हस्तिनापुर को बर्बाद करके ही गंधार को लौटेगा। बोले हैं बाबा भीष्म, कैसे फंस गए चांडाल चौकड़ी में, कैसे फंस गए, कैसे फंस गए चांडाल चौकड़ी में, कैसे फंस गए। युधिष्ठिर ने कहा कि बाबा मैं भी जानता हूं कि दुर्योधन ने हमें भले के लिए नहीं बुलाया, इधर हमारे शिष्य देवेंद्र जो नगला बहादुर से आए हैं, देवेंद्र जी हमें 51 रुपए की मुद्राओं से कथा में सम्मानित कर रहे हैं, प्रभु बेटा के परिवार को सुख शांति प्रदान करें, ये हमारा हार्दिक आशीर्वाद अपने शिष्य के लिए है। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं लाख प्रयत्न करता हूं कि दुर्योधन से हम दूरी रहें, लेकिन ये दुर्भाग्य है खींच खींच कर मुझे दुर्योधन के पास ले आता। भीष्म पितामह कहने लगे कि युधिष्ठिर अगर तुम आ गए हो बेटा ठीक है, लेकिन शकुनी के साथ में कोई खेल मत खेल। भाई बहनों, पांच दिन तक राजा युधिष्ठिर
जुआ के खेल में शामिल नहीं हुए। छठवें दिन मैया कुंती से आज्ञा लेकर के पांचों भैया जब दुर्योधन की सभा में बैठने के लिए गए हैं, शकनी का संकेत पाकर के दुर्योधन ने सिंहासन को त्याग दिया और झुक कर उसने युधिष्ठिर को भक्त को प्रणाम किया। युधिष्ठिर समझ गए खतरा सीमा से कहीं ज्यादा है, क्योंकि भाइयों नीच पुरुषों को जो नमन है खतरनाक। मेरा हटोन ज्ञान यद के हर छपकंत, यदि दुश्मन हंस के मिले तो दूरी रही लो कंत। ये तीनों बातें आप दिमाग में रखें, जिंदगी के किसी पहलू पर ये बात काम जरूर दे जाए कि मेढ़ा अगर आपको देखकर हट रहा है तो समझ लो कि अब टक्कर मारने की तैयारी है। शेर अगर कहीं मिले और आपको देखकर के शेर जमीन पर चिपक रहा है तो ये मन समझो कि शेर तुमसे भयभीत हो गया है। शेर का जाति स्वभाव है कि शिकार को जब दबोचेगा तो पहले जमीन पर चिपक जाएगा, फिर छलांग मारेगा और एक ही बार में शिकार का काम तमाम कर देगा। और पुराना दुश्मन अगर 20 कोस दूर भी मिले और मुस्करा कर को अपने मुंह से करके हालचाल गांव के ले रहा है तो समझ लेना कि आगे मौत का फंदा बन गया है। पुराना शत्रु 20 कोस में मिले तो नीच शास्त्र ये बताता है भारत कि तुरंत ही लौट के अपने घर चले जाओ। और भाई बहनों घर न लौट पाओ तो रास्ता जरूर बदल देना। युधिष्ठिर विद्वान थे, समझ गए खतरा तो है, फिर भी मन को महसूस करके पंडवा दुर्योधन की सभा में बैठ गए। दुर्योधन कहने लगा, आओ महाराज, हस्तिनापुर साम्राज्य की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत दिन बीत गए थे, भाइयों का दर्शन हुआ, राजनीति में उलझ गए, विचार आया कि जुआ का खेल होगा और इसी बहाने भाइयों का मिलन भी होगा और हमने आपको हस्तिनापुर बुलवा लिया। युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ दुर्योधन, बंटवारा भी ठीक हुआ, तुम इधर भले हम उधर भले, दर्शन भी हो गए। रही जुआ की बात तो सतपुरुष के लिए जुआ खेलना दुर्योधन वर्जित, अगर मनोरंजन करना है तो कोई दूसरा खेल खेलो। शकुनी बोला कि नहीं, आज तो हमारे भांजे जुआ जरूर खेलेंगे। युधिष्ठिर ने कहा कि मामा श्री, अगर आपकी भी हार्दिक इच्छा है तो चलो, हम 2 मिनट दुर्योधन का साथ दे सकते हैं। दुर्योधन ने कहा कि मेरी ओर से मामा शकुनी जुआ खेलेंगे। इधर शकुनी पासा उठाता है, युधिष्ठिर खेल में बैठते हैं, जुआ का खेल भक्तों शुरू हुआ।
बड़वा भेद नहीं समझ पाए। दा पर दा हारते रहे, खजाना गया, इंद्रप्रस्थ गया, राज मुकुट गए, हथियार भी गए, अंत में पांडव दुर्योधन के गुलाम हो गए। शकुनी कहने लगा कि अब क्या खेल खेलोगे विष, अब तो तुम दुर्योधन के दास हो चुके हो। युधिष्ठिर ने कहा कि मामा जी अभी हमारे पास वो अमानत है जिसकी कीमत इंद्रप्रस्थ से भी कई गुनी आ गई, ये हमारा आखिरी दाव होगा। बोले हैं युधिष्ठिर, जब के हाथ के पानी पीने का धर्म भारत का ग्रंथ नहीं बताता। भाइयों वही समय महारानी द्रौपदी का था। द्रौपदी मासिक धर्म से थी और दुर्योधन की जो पत्नी भानुमती थी उस भानुमती के कक्ष में एकांत में लेटी हुई थी। जब दुशासन द्रौपदी के कक्ष में पदार्पण करता है, द्रौपदी उठ करके खड़ी हो गई, कहा कि देवर जी क्या मैं आपको पूछ सकती हूं कि बिना आज्ञा के हमारे कमरे में आने का मकसद क्या है? ये समय हमारा ऐसा है
किसी पुरुष का मुंह देखना मेरा धर्म नहीं है। अभी तक मैं सास गांधारी को प्रणाम करने भी नहीं गई और आप बिना आज्ञा के हमारे कमरे में कैसे आ गए। दुशासन कहने लगा कि द्रौपदी दासियों के कमरों में आने के लिए आज्ञा नहीं मांगनी पड़ती। द्रौपदी ने कहा कि देवर जी मैंने पहले भी आपसे कई बार कहा है कि आप जब नशे की हालत में हैं तो हमसे बात मत किया करो, ये नशा जब उतर जाए तब मेरे पास आना। मैं इंद्रप्रस्थ की महारानी हूं, महात्मा पांडव की पुत्र वधु हूं और आप अपनी मां समान भाभी को दासी कह रहे हैं। दुर्योधन के भाई दुशासन ने कहा कि द्रौपदी तुम कभी रानी थी लेकिन आज नहीं, आज पंडवा सारा राज्य अपना जीवा में हार चुके हैं, बेखुद दुर्योधन के गुलाम बने बैठे हैं और तुम दुर्योधन की दासी हो, शिव दासी। युवराज की आज्ञा है कि द्रौपदी को सभा में हाजिर किया जाए। उठो महारानी द्रौपदी, हम तुम्हें लेने आए। बहनों द्रौपदी समझ गई कि मामा शकुनी ने पांडवों के साथ में धोखा कर दिया। हाथ जोड़कर कहा देवर जी अगर प्राणनाथ पांडव हमें जीवन में हार गए हैं तो एक एहसान अपनी इस भाभी पर कर दिया। जिसकी कोई इज्जत हो
और जिसकी इज्जत ही नहीं तो उसकी बेइज्जती क्या। और एक बात बता द्रौपदी कि अगर आज तुझे अपना सम्मान प्रिय है तो हमें भी अपना गौरव प्रिय है। याद करो महारानी द्रौपदी इंद्रप्रस्थ वाला यज्ञ, धोखे से भैया का पैर फिसल गया था। शायद वो दिन हमारी भाभी को याद होगा। भैया से कही तूने अंधा है, चल निकल महल से महारानी, अंधन को पर गयो पता है। दुर्योधन कहने लगा, आओ महारानी द्रौपदी, अंधों की सभा में द्रौपदी का स्वागत है। बहुत दिन बीत गए, हमारी भाभी द्रौपदी ने अपने देवर दुर्योधन पर एक एहसान किया था। जब इंद्रप्रस्थ यज्ञ में हमारा पैर फिसल गया था, हमें पटक लगी थी, उस दिन भाभी ने एक एहसान अपने देवर दुर्योधन पर किया था। बहुत सोचा भाभी कि उस बात को हम भूल जाएं, लेकिन जैसे जैसे हमने घाव पर मरहम लगाया वो घाव ताजी होता गया। आपने सच कहा था भाभी कि जिसका बाप अंधा होता है उसकी औलाद भी अंधी होती है। सच कहा था तुमने। क्या करें अभी तक धुलन शतर, वो काव्य का बिल्कुल
द्रौपदी पांडवों को दिख रहा है। लेकिन पत्नी को पति से पर्दा नहीं करना चाहिए। उस समय द्रौपदी की आंखों में से आंसू छलक पड़े थे। सोचने लगी कि पापी हमें निर्वस्त्र होने की बात कह दे चुका, लेकिन मेरे बाबा भीष्म यहां बैठे हैं, कुल गुरु कृपाचार्य बैठे हैं, गुरु द्रोण भी बैठे हैं, ये महात्मा इतना अनर्थ सभा में होने नहीं दे। सोचनी ही द्रौपदी सभा में खड़ी खड़ी पांडवों के समक्ष आनी है, जहां पांचों पंडवा
शर्म से गर्दनें झुकाए धरती को देख रहे थे। अर्जुन का गांडीव और भीम की गदा दुर्योधन अपने कब्जे में ले चुका था। कुंती के जो शेर थे आज वो शर्कश के शेर बनकर के रह गए थे। समझो भक्तों कि भक्त का गुलाम इंसान ऐसे बनता है। अर्जुन जब नंद घोष रथ पर खड़ा होता था युद्ध भूमि में गांडीव धनुष को टंकारता था तो विपक्षी योद्धाओं के कलेजे टूट जाते थे। बैठीन जब सिंहनाद करके धरती में कदम मारता था तो धरती के टिक्कर हिल जाते थे। आज वह कुंती के विश्व विजयी से सर्कस शेर बनकर के रह रहे थे। भक्त का गुलाम इंसान ऐसे बनता है। पांचों पांडवों से द्रौपदी रक्षा की भीख मांगी बोली है कि एक पति जाकर पड़ेगा, जाकर पड़ेगा।
बाबा भीष्म कहने लगे, शकनी महाभारत का ऐलान हो गया, अब जीवन केवल उतना ही है, जब तक पांडवों का 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास है, 13 साल तक शकनी चैन की बंसी भारत में और बजा लो, 14 वर्ष भारत की शुरू होगी, खूनी समुद्र बहेगा, उस खूनी समुद्र में लाखों बहनों के सिंदूर पूछेंगे, लाखों बहनों के भैया जाएंगे, लाखों माताओं के लाल छिल जाएंगे, उस खूनी दरिया में तुम्हारे प्रिय भांजे दुर्योधन दुशासन की भी लाशें पड़ी होंगी, इनके मित्र कर्ण की भी लाश होगी, और उन लाशों के अंबार में हम भी पड़े होंगे, सपनी हम भी पड़े होंगे, हस्तिनापुर का ध्वज जहां जहां जाएगा उस ध्वज की रक्षा के लिए इस बूढ़े भीष्म को हथियार उठाने पड़ेंगे, लेकिन दुर्भाग्य होगा सपनी कि अधर्म के झंडे के नीचे खड़े होकर युद्ध लड़ना पड़ेगा, ये अर्जुन जो धर्म के बंधन में बंधा बैठा है, जिस दिन धर्म के बंधन को तोड़ेगा तुम्हारे खून का प्यासा बन जाएगा, ये बचपन में धूल में सना हुआ आकर के मेरी गोदी में बैठकर मेरे श्वेत वस्त्र दंड किया करता था और कहा करता था कि बाबा हमें धनुर्वेद की शिक्षा दिलाओ, हमें हथियार चलाना सिखाओ, सपनी इस बूढ़े को वो भी दिन देखना होगा कि इसी अर्जुन के बाद इस बूढ़े की छाती का भेदन करेंगे, इतनी कहकर के बाबा भीष्म फूट फूट करके रोने लगे। युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी हस्तिनापुर वालों के आगे मत रो, रोना हो द्रौपदी तो उन द्वारकाधीश के लिए रो, उन भगवान कृष्ण के लिए आंसू बहाओ द्रौपदी, आज वो कन्हैया तुम्हारे आंसू पोंछ पाएगा, द्रौपदी हमारे आगे भी मत रो। इतना कहकर के महात्मा युधिष्ठिर भी गर्दन को नीचे झुका गए थे। उधर दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी पकड़ ली, इधर साड़ी खींची और उधर द्रौपदी के मुखारविंद से दर्दीली आवाज भगवान कृष्ण के लिए निकली, मेरी रोई रोई भीगे
जब द्वारकाधीश के कानों में जाकर पड़ी, प्रभु पलंग से नीचे कूद पड़े। रुक्मिणी ने पूछा कहां? कन्हैया बोले जवाब लौट। बहनों या भक्ति अपनी अंतिम सीमा में है, भक्त भगवान को खींच रहा है और भगवान रुक्मिणी से केवल इतना ही कह रहे हैं कि जवाब लौट। अपनी प्रिय सवारी गर्व का भी भगवान ने ध्यान नहीं दिया। आकाश मार्ग से होकर जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में आए हैं तो केवल बाबा भीष्म और द्रौपदी, इन दो को भगवान के दर्शन हुए हैं, बाकी कौरवा अंधे बन गए। लेकिन आते ही आते कन्हैया ने हस्तिनापुर का पासा पलट दिया।
चीख खींचते खींचते परास्त होकर धरती पर गिर गया। शर्मान पसीना दुशासन को छूट गया था। ललन द्रौपदी को हंसना पड़ा नहीं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह बुलाते नहीं। बहनों जब तक द्रौपदी को आश रही, बाबा रक्षा करेंगे, पति रक्षा करेंगे, कन्हैया नहीं आए। अपनी भी शक्ति का अभिमान बना रहा। द्रौपदी साड़ी पकड़े रही, प्रभु नहीं आए। साड़ी छोड़कर जब दोनों भुजाएं उन पर टूट गई और मुंह से निकला कि प्रभु आपके बिना अब रक्षक मेरा कोई नहीं है, तो कन्हैया ने एक क्षण का विलंब हस्तिनापुर जाने में नहीं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। अगर द्रौपदी जितना प्रेम हर भाई बहन के हृदय में आज कन्हैया के लिए पैदा हो जाए, तो मैं कहूंगा कि मेरा कन्हैया आज भी भरखंड ब्रजमंडल में आने में दे नहीं करेगा। इधर बेटा मनीष यादव जो यादव स्टूडियो अबागर से आए हैं, जो हमारी कैसेट का यहां रिकॉर्डिस्ट कार्य कर रहे हैं, ये बेटा मनीष में 51 रुपए की मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान इनकी संस्था को उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर रखे। ये मेरा हार्दिक आशीर्वाद बेटा मनीष के लिए। एक कीर्तन भगवान का छोटा सा बोल लीजिए आप लोग।